अम्बरीश की तप स्थली है। श्री राम को यहाँ तपोपुंज ऋषियों के दर्शन हुए थे। श्री राम ने यहाँ विश्राम किया था। यहीं पर विराध ने श्री राम पर आक्रमण किया था। दोनों के बीच घनघोर संग्राम हुआ और अंततः विराध पराजित हुआ। इसी कुंड में विराध को दफनाया गया था। अपनी भयंकरता तथा असुरक्षा की दृष्टि से यह स्थल आज भी रामायण काल का स्मरण कराता है। विराध के मानस पुत्र यहाँ आज भी मिल सकते हैं, अतः यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जाना चाहिए। विराट के रक्त से सने अपने वस्त्रों और अस्त्रों को राम लखन ने इसी पुष्करणी में धोया था। आगे चलकर हमें मिलता है मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, जहां श्री राम ने अपने आराध्य महादेव की पूजा की थी। आगे बढ़कर हम सुतीक्ष्ण आश्रम के दर्शन करते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। श्री राम का स्वागत सत्कार करने के बाद शरभंग मुनि ने अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लिया था। यहां हमें राम लक्ष्मण कुंड, दुधमुनिया कुंड, सूर्य कुंड, अश्वमुखी देवी का मंदिर। वाल्मीकि जी ने अश्वमुनि की चर्चा की है। ये मंदिर उसी आश्रम से मेल खाता है। हमारे विचार से यही अश्वमुनि का आश्रम है। आज भी तपोनिधि संत यहाँ साधना में रत रहते हैं। त्रेता युग में राक्षसों ने कुछ स्थानों पर अपने मजबूत अड्डे बना लिए थे। आसपास के ऋषियों मुनियों को त्रास देना उनका प्रिय काम था। वनवास काल में श्री राम को दर्शन हुए ऋषियों की अस्थियों से बनी एक पहाड़ी के। लोगों की करुण कथा सुनकर श्री राम ने धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया। आज ये स्थान सिद्धा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, सिद्धा पहाड़ के बारे में एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं। ये वो स्थल है जहाँ आकर भगवान श्री राम की यात्रा का उद्देश्य ही बदल गया था। यहीं आकर श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। ये वो पवित्र स्थल है जो ऋषि मुनियों के अस्थियों के ढेर से बना है। राक्षसों ने ऋषियों को खाकर यहाँ उनके कंकाल इकट्ठे किए थे। कितना महत्वपूर्ण है हमारी ये संस्कृति के लिए। किंतु ये एक और दुर्भाग्य की बात रही कि इसमें खनन कार्य आरंभ हो गया था, खदानें लग गई थी। किंतु हमारा ये कार्य आरंभ होने के बाद सरकार पर एक तरह से आग्रह हुआ है, वहाँ के लोग इकट्ठे होकर गए हैं और सरकार ने वो खनन कार्य रोक देने के आदेश जारी किए हैं। अब ये कहाँ तक हम इसको सुरक्षित कर पाएंगे, ये हमारे अपने संकल्प पर है। लेकिन और अनेक स्थल होंगे जो इस तरह विलुप्ति के कगार पर हैं। यदि हम सजग रहे तो ये स्थान भी बच जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी
अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी। मार्ग में सीता रसोई, बहुत गहराई में है ये कुंड, किंतु कुंड तथा बाघिन नदी का दृश्य बहुत मनभावन है। रामशैल रक्सिल्वा से आगे बढ़कर हम सुतीक्ष्ण मुनि का एक और आश्रम देखते हैं। यह एक अद्भुत वट वृक्ष है। इसके पत्ते बड़े होकर अपने आप दोने का आकार ले लेते हैं। गहरे जंगल में यहाँ श्री राम ने अपना सारंग धनुष टिकाया था, इसीलिए गांव और मंदिर का नाम सारंगधर है। सुंदर मंदिर तथा उपवन को देख मन यही रम जाता है। पन्ना से लगभग 18 किलोमीटर दूर देवेंद्र नगर के पास बड़े गांव के निकट महर्षि अगस्त्य के भाई अग्निजिह्वा मुनि से श्री राम मिले थे। पन्ना जिले में सलेहा से 9 किलोमीटर दूर पटना के पास अगस्त ऋषि का आश्रम है, मगर यहां श्री राम और महर्षि की भेंट प्रायः नहीं हुई थी। राम मंदिर मैहर, श्री राम के आने की स्मृति में यहां संत राम सखेंद्र दास जी ने मंदिर की स्थापना की थी। शिव मंदिर भरभरा, आगे चलकर हिरण नदी का संगम नर्मदा जी से होता है। श्री राम ने नर्मदा जी के किनारे किनारे बहुत लंबी यात्रा की है। रामघाट पिपरिया, श्री राम मंदिर पासीघाट, रामघाट माछा होते हुए हम रामटेक पहुंचते हैं। श्री राम ने यहां राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा दोहराई थी। यहां वे कुछ समय के लिए टिककर रुके भी थे। सीता नहानी रामगिरी, राम लक्ष्मण मंदिर, दर्शन करते हुए हम नासिक जिले के सप्तशृंग पर्वत स्थित सुतीक्ष्ण आश्रम पहुंचते हैं। पंचवटी प्रवास की अवधि में श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ माँ दुर्गा भवानी के दर्शन के लिए आए थे। सप्तशृंगी देवी के भव्य मंदिर में
सालों भर लोग पूजन के लिए आते रहते हैं। राम सरोवर टिकाड़ी, मार्कंडे आश्रम दरबार, राम मंदिर ताला बांधवगढ़ हमें मार्ग में मिलते हैं। इनका दर्शन करते हुए हम दशरथ घाट बिजौरी पहुंचते हैं। सोनभद्र और जोहिला नदी के संगम पर श्री राम ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था। यहां से आगे चलने पर हमें गंधिया, हरचौका, रापा, छतौड़ा, और मनवई में सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध अनेक स्थान मिलते हैं। कुछ दूर चलने पर विश्रामपुर मिलता है। माना जाता है यहाँ पर श्री सीताराम जी लंबी अवधि तक रहे थे। हमें मार्ग में एक ही नाम से प्रसिद्ध अनेक स्थान मिलते हैं। इनसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। राम लखन और सीता जी ने जहाँ कुछ अवधि तक निवास किया उनमें से कई स्थान सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सीता ने जहाँ रसोई बनाई वो सीता रसोई के नाम से विख्यात हो गई। जहाँ इन लोगों ने स्नान किया वो स्थल उनके नाम से जुड़े घाट, नहानी और कुंड के रूप में प्रसिद्ध हो गए। श्री राम से जुड़े स्थानों का निर्धारण करने में हमें ये नाम बड़ी ही सहायता करते हैं। मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में स्थित मरहट्टा में राम लक्ष्मण पायन, राम जानकी मंदिर, सीता बिंगरा उदयपुर, चंदन मिट्टी, लक्ष्मण पंजा ये तीर्थ मिलते हैं। यहां से होते हुए हम पहुंचते हैं शिव मंदिर बगीचा। माँ सीता ने वनवासियों को शीत ज्वर से बचाने के लिए यहाँ तुलसी के बिरवे लगाए थे। ये बिरवे बगीचा के रूप में विकसित हो गए, आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। लेखा पत्थर रेंगले का दर्शन करते हुए हम राम रेखा धाम पहुँचते हैं। छोटा नागपुर के पास सिमडेगा से 20-25 किलोमीटर दूर राम रेखा धाम के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ राम जी ने अपने बाण से कुछ रेखाएं खींची थी, आज भी इनकी पूजा की जाती है। पास ही जसपुर की वनवासी महिलाओं के अनुसार उनके पूर्वजों को माँ सीता ने बांस की टोकरी बनाना सिखाया था। अब हम लक्ष्मण पादुका गेरवानी, राम झरना, राम टेकड़ी, विश्रामवट, लक्ष्मणेश्वर मंदिर होते हुए शिवरी नारायण पहुंचते हैं। ये माँ शबरी का जन्म स्थान है। वही माँ शबरी जिनके जूठे बेर प्रभु ने बड़े प्रेम के साथ खाए थे। अब हम वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया, राम दिवाला सिरपुर, बागेश्वर मंदिर, शिव मंदिर फिंगेश्वर, मांडव्य ऋषि का आश्रम, सरगी नाला के दर्शन करते हुए रायपुर जिले के राजीव नगर पहुंचते हैं। दर्शन कीजिए माँ सीता द्वारा स्थापित कुलेश्वरनाथ मंदिर के।
श्री राम ने यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की थी। रुद्रेश्वर धमतरी और राम लक्ष्मण मंदिर विश्रामपुर से आगे बढ़ने पर हमें ऋषि मंडल के दर्शन होते हैं। ये पूरा क्षेत्र ऋषि मंडल रहा है। इससे पहले रिखियन में हमें ऋषि मंडल मिला था। लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में कई ऋषियों के आश्रम मिलते हैं। इनमें प्रमुख हैं राजीम में लोमश, तुरतुरिया में वाल्मीकि, फिंगेश्वर में मांडव्य, सिहावा में श्रृंगी, मैचका में मुचकुंद, दलदली में शरभंग, डोंगरी में लोमश और शरभंग, गटुला में अंगिरा, हरदी भाटा खारूगढ़ में अगस्त, दुधावा में पुलस्त और कांकेर डोगरी में पर्क कंक ऋषि के आश्रम। कांकेर में कंक ऋषि से मिलकर श्री राम केशकाल घाटी पहुंचे थे। नारायणपुर से 11 किलोमीटर आगे चलकर हम राकस हाड़ा पहुंचते हैं। नाम से ही स्पष्ट है राकस अर्थात राक्षस और हाड़ा मतलब हड्डियां। यहां श्री राम ने राक्षसों का भयंकर विनाश किया था। राक्षसों की अस्थियां पत्थर के रूप में हैं। इन्हें जलाने पर हड्डियों की गंध आती है। रक्षा डोंगरी होते हुए हम पहुंचते हैं शिव मंदिर तोरमा। यहां पूजन अर्चन करने के बाद हम पहुंचते हैं चित्रकूट। चित्रकूट नहीं चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट तो प्रसिद्ध तीर्थ है, लेकिन चित्रकूट भी कम प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ आपको दर्शन होंगे शिव भगवान के, भोलेनाथ के। इंद्रावती नदी के इस मनमोहक जलप्रपात में कभी सीता जी और राम जी ने भी स्नान किया था। सुंदर और भव्य स्थान है, आप भी दर्शन करें। जगदलपुर से 25 किलोमीटर दूर तीरथगढ़ में सीता नहाने के दर्शन हमें होते हैं। चलकर हम आगे पहुंचते हैं कोटी महेश्वर। यह विश्व की अद्भुत गुफा है, इसमें बिना प्रकाश के प्रवेश नहीं कर सकते। गहरी गुफा, जैसे पाताल में जा रहे हों, किंतु भीतर हजारों शिवलिंग देख मन आश्चर्यचकित हो जाता है। आइए आप भी बाबा को प्रणाम कर लें। दर्शन कीजिए रामगिरी की अंधेरी गुफा में स्थित गुप्तेश्वर महादेव के। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए लोग यहां आते हैं। उड़ीसा में बाली मेला और गोविंदपल्ली मार्ग पर खैरपुर गांव से 4 किलोमीटर दूर इस कुंड में मां सीता द्वारा पाली गई मछलियों के दर्शन आपको आज भी हो सकते हैं। मलकानगिरी में सीता कुंड के दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं मल्लिकेश्वर मंदिर। उड़ीसा के आदिवासियों के अनुसार वास्तविक किष्किंधा नगरी यही है। बाली का वध स्थल डुमरी याडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा से श्री राम शबरी नदी के किनारे किनारे गोदावरी संगम तक जाते हैं। आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं रामारम चिट्टमिट्टन मंदिर, जहां श्री राम ने धरती माँ यानी भूदेवी की पूजा की थी। कोंटा नगर से 8 किलोमीटर उत्तर में शबरी नदी के किनारे इंजरम गांव में प्राचीन काल में बना एक मंदिर
फिर से धरती के गर्भ से बाहर आ रहा है। इसी तरह कोंटा से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मोंटू में जमीन से देवताओं के विग्रह स्वतः उभर कर ऊपर आ रहे हैं, मगर चाह कर भी स्थानीय लोग मंदिर नहीं बना पा रहे हैं। सलेरू और शबरी नदी के पवित्र संगम में स्नान कर श्री राम शबरी तथा गोदावरी नदी के संगम पर आते हैं। यहाँ वे कुछ अवधि तक रुके थे। गोदावरी नदी के किनारे किनारे चलते हुए वे भद्राचलम से 35 किलोमीटर दूर पर्णशाला पहुंचे। यहाँ कुछ दिनों तक उन्होंने विश्राम किया। आगे चलने पर हम इलेंदुकुंटा पहुंचते हैं। यहाँ श्री राम ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था। आज भी लोग नया काम शुरू करने से पहले और पूर्वजों के श्राद्ध के लिए यहाँ आते हैं। अपने देश में 3 नदियों का संगम अत्यंत पवित्र माना जाता है। निजामाबाद से 30 किलोमीटर दूर गोदावरी, माजरा और हल्दी होल नदियों का संगम है। श्री राम यहाँ भी आए थे। आगे चलकर सीता मंदिर राले गांव, शरभंग आश्रम, और जमदग्नि आश्रम तीर्थों का दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं पंचापसर। बुलढाणा जिले में लोनार में स्थित ये सरोवर विश्व का अद्भुत स्थल है। श्री राम यहाँ भी आए थे। मार्ग में रामेश्वर, सिंधखेड़ राजा, शंभु महादेव, नागरतास, सावर गांव होते हुए हम रामतीर्थ पहुंचते हैं। आगे चलकर रामेश्वर राम गांव होते हुए हम सीता नहानी अंबड़ पहुंचते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जल का अभाव है, मगर सीता नहानी पहाड़ी पर हमेशा जल उपलब्ध रहता है। श्री राम पर भी शनि महाराज की कृपा हुई थी। लोक मान्यता के अनुसार श्री राम ने राक्षस भुवन नामक स्थान पर शनि की पूजा की थी। आज भी शनि उपासना के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अंकइक्तिला की पहाड़ी पर स्थित अगस्त आश्रम के दर्शन कर हम पहुंचते हैं पिंपलनेर। नासिक से 16 किलोमीटर दूर अवस्थित है अगस्त्य ऋषि का अत्यंत पुराना मंदिर। माना जाता है श्री राम और अगस्त्य की भेंट इसी स्थान पर हुई थी। यहां से आगे चलकर हम पहुंचते हैं पंचवटी। गोदावरी के किनारे अवस्थित पंचवटी से ही मां सीता का अपहरण हुआ था। पुराने लोगों का विश्वास है कि काले राम मंदिर के स्थल के पास ही श्री सीता राम जी की पर्णकुटी थी। पंचवटी से 8-10 किलोमीटर दूर कपिला और गोदावरी नदी के संगम स्थल पर श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पनखा की नाक काटी थी। नासिका कर्तन स्थल होने के कारण ही इसका नाम नासिक माना जाता है।